रफ्तार से सिसोदिया को गिरफ्तारी का डर। ये टाइटल देखकर ही आप समझ जाइए कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री को गिरफ्तारी का डर है। क्या ये डर है या सियासत है, आइए समझते हैं। दरअसल आज हुआ क्या, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली बजट का हवाला देकर सीबीआई से फरवरी के बाद पेश होने की मोहलत मांगी। अब सीबीआई यानी कि क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेशन इस मामले में उन्हें नए सिरे से समन जारी करेगी। मनीष सिसोदिया को दिल्ली शराब नीति के मामले में पूछताछ के लिए रविवार सीबीआई के कार्यालय में बुलाया गया था, रविवार को यानी कि आज, लेकिन उन्होंने बजट बनाने की बात कहकर सीबीआई से थोड़े और समय मांगा, टाइम मांगा। अब इस मामले में सिसोदिया ने एक और बड़ा दावा भी किया है। समय मिलते उन्होंने कहा कि अगर आज उनसे पूछताछ की जाती तो उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता था। सिसोदिया ने कहा कि मुझे डर है कि बीजेपी उन्हें गिरफ्तार करने का आदेश दे सकती है। उन्होंने कहा कि मैं गिरफ्तारी से नहीं डरता और सवालों से नहीं भागता। बजट का हवाला देते हुए केंद्रीय एजेंसी से पूछताछ किसी और तारीख तक टालने का मैंने अनुरोध किया है। अब सीबीआई इस मामले में उन्हें नए सिरे से समन जारी करेगी। बीजेपी का कहना है कि सिसोदिया वही पुरानी नाटक नौटंकी कर रहे हैं। बीजेपी के मुताबिक बीजेपी गिरफ्तार कैसे कर सकती है, एजेंसीज अपना काम कर रही है। तो मनीष सिसोदिया ने मोहलत मांगी है सीबीआई से। बीते दिन आपने देखा होगा चर्चित शराब नीति में घोटाले को लेकर दिल्ली में सीबीआई ईडी ने काफी धरपकड़ की, कई लोगों की गिरफ्तारी हुई। गुजरात चुनाव में इस मुद्दे को अहम केंद्र बिंदु में माना गया, काफी छीछा लेदर हुई आम आदमी पार्टी की, और इन सब के बीच अभी भी ये मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। और इसके केंद्र बिंदु हैं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। मनीष सिसोदिया के सर से ये आफत जाती हुई अभी भी नहीं दिखाई दे रही है। सीबीआई से मनीष सिसोदिया ने मोहलत तो मांग ली है, लेकिन अब देखना होगा कि मनीष सिसोदिया क्या इस जांच के दायरे में आते हैं या फिर इस जांच से सफलतापूर्वक बचकर निकल पाते हैं। सिसोदिया ने बड़ा दावा किया कि मुझे आज गिरफ्तार भी किया जा सकता था। बड़ा सवाल यहाँ ये भी खड़ा होता है कि क्या सिसोदिया जानते थे कि कहीं ना कहीं उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। अगर उन्हें गिरफ्तार सीबीआई कर सकती थी तो उन्होंने पूछताछ में एक्सटेंशन क्यों दिया। तमाम तरह के मुद्दे हैं, लेकिन बड़ी खबर है ये आज पांच के पंच में, जहां दिल्ली की राजनीति में सियासी सरगर्मी, सियासत का पारा ठंडी में ऊंचा दिखाई दे रहा है।